नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। भारत में रैपिड रेल सेवा का लंबे समय से इंतजार था और अब वो पल आ गया जब भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को हरी झंडी दिखा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि 20 अक्टूबर को देश की पहली रैपिड रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद स्टेशन से इस ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। इसी दौरान पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन में सफर भी किया। उन्होंने ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों और छात्रों से बातचीत भी की। आपको बता दें कि नमो भारत ट्रेन अपने आप में ही बेहद खास है, तो चलिए आपको हम इस ट्रेन की खासियत बताते हैं, विशेषताओं के बारे में बताते हैं जो दूसरे ट्रेन से काफी इसे अलग बनाता है। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और पिछले दिनों जब इसका ट्रायल किया गया था तब ट्रेन की अधिकतम गति 146 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस हाई स्पीड RRTS ट्रेन में झुकने वाली सीटें और बड़ी खिड़कियों के अलावा हाई टेक कोचों में डिजिटल स्क्रीन भी दी जाएगी जो यात्रियों को किसी भी समय ट्रेन का रूट स्पीड दिखाएगी। अगर बात करें इसके लुक्स की तो नमो भारत ट्रेन बुलेट और मेट्रो ट्रेन जैसी दिखती है। इसके दरवाजे मेट्रो जैसे ही खुलते हैं और बंद होते हैं। इसकी सीटें राजधानी ट्रेन जैसी लग्जरी सीटों की तरह बनाई गई हैं। अभी इसमें 6 कोच लगाए गए हैं जिसमें एक महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तो एक प्रीमियम कोच होगा। प्रीमियम कोच में रिक्लाइनिंग सीट, कोट हुक और मैगजीन होल्डर और फुटरेस्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा ट्रेन के सभी कोच में मुफ्त वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, सामने रखने का स्थान और एक इंफोटेक सिस्टम भी होगा। इसके साथ ही इसमें मेट्रो की तरह बीच में खड़े होने के लिए भी हैंड होल्डर होंगे। इतना ही नहीं, प्रीमियम टिकट धारकों के लिए स्टेशनों पर एक वेटिंग लाउंज भी होगा। बता दें कि 30,274 करोड़ रुपए की परियोजना का पूरा गलियारा 82 किलोमीटर लंबा होगा और दिल्ली के सरायकाले खां स्टेशन से मेरठ के मोदीपुरम तक फैला होगा। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में मेरठ और दिल्ली के बीच 1.5 घंटे और लोकल ट्रेन में 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन RRTS में केवल 55 से 60 मिनट लगेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को जून 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि इस परियोजना की आधारशिला पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 को की थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।